सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका A.P.S गेमिंग में। तो आज हम खेलने वाले हैं सिक्स गन्स। इस गेम में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मुझे कॉब है कि गेम तो वैसे ही पसंद होते हैं। और अब हम देखने वाले हैं तो हम क्या करते हैं इसमें। हम इसमें स्टोरी लाइन मेन फॉलो करेंगे और साइड मिशन को स्किप कर देंगे। अगर साइड मिशन अच्छा लगेगा तो हम वो भी डालेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्स गन्स मुझे ये इसलिए मस्त है क्योंकि मैंने आपको बताया कहो भाई कि गेम अच्छे लगते हैं। और जो मेरी एक और पसंद है पुरानी गन्स की वजह से मैं बहुत सारे गेमों को डाउनलोड करता हूँ। तो हम इस गेम को ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल से ये गेम बहुत अच्छा, मैंने इसको पहले भी खेला हुआ है लेकिन अब हम इसको वापस खेलने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये गेम कैसा होने वाला है और इसमें कैसा मज़ा आने वाला है। और ये अपडेट भी हो चुका है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इस क्वालिटी के लिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर हो सकती है, लेकिन अगली वीडियो में आपको ऐसी शिकायत नहीं हो दूंगा। Must have had a hell of a night last night. Where am I? Where the hell is my horse? Of course, every night's a hell of a night when you spend it drowning your memories in the bottom of a bottle. Pa always said, when in doubt, head west. Looks like the old bastard was right. Hopefully they got some whiskey for me. Help! Help! Looks like trouble. Please! Last thing I was hoping to find. Don't think the lady wants to dance. Mind your own business, cowboy. But then again, trouble always finds me. मैंने अपनी वॉइस ओवर वॉइस नहीं की क्योंकि मुझे लगा था कि आप इसका एक्सपीरियंस ना भूल जाएं। तो यहाँ पे हमें एक लेडी को बचाना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे से एक लेडी को बचा रहे हैं। देखते हैं ये कैसा होने वाला है। मुझे कोई गन वन नहीं देंगे। ओ ये आप मुझे माफ़ करिएगा क्वालिटी के लिए, मैं अगली वीडियो में ऐसी आपको शिकायत नहीं दूंगा। मैं ओ लगता है मुझे इनको मुक्कों से मारने, मैं उनकी गन उठा लेता हूँ पहले। ओ मुझे यहाँ पे गन नहीं मिली। ओ इससे ही मक्का मारना है मुझे। ठीक है, जितना भी मुश्किल नहीं होगा। बीट द बैंडीज। अरे इनको पीटना तो बड़ा आसान है, ऐसे ही मुक्का दूर दूर से मारते रहो। चलो ये तो आसान था। रेट यू आर टॉट डैम अ लेसन, थैंक यू सर। You will need to get a gun for the next challenge. I want a gun. First tap on the shop. ठीक है, हम शॉप में क्लिक करते हैं और हमें देखते हैं कि हमें कौन सी गन है। यहाँ पे हमें रस्टी गन मिल रही है। रस्टी क्यों चाहिए, हम अच्छी गन लेंगे, लेकिन हमें ये रस्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ तो बड़े तगड़े स्टाइल से इसने किया अपनी गन को रोली। आई विल हेल्प यू बट फर्स्ट यू विल हेल्प मी यूज द मैप टू एक्सेस मिशन डायरेक्टली। ओके, हम यहाँ पर मैप देखते हैं। टैप द मिनी मैप टू ओपन द फुल मैप। तो यहाँ पे हमारा एक न्यू आया है कुछ। टैप ऑन द क्वेस्ट लोकेशन टू एक्टिवेट इट। द गैंग द ग्रैंजर गैंग्स अबाउट टू राइड इन टू टाउन एंड परफॉर्म अ नंबर ऑफ 83। दैट्स व्हेन दे शूट एवरीवन साइट। इफ यू आर अप फॉर शूटिंग बैक फॉर फॉक अराउंड हियर अप्रिशिएट इट। ठीक है, किल द रेडर्स। तो हाँ, मेरे को आप खत्म करने वाले हैं। तब द हॉर्स आइकन टू कॉल अ हॉर्स। चलो यहाँ पे एक हॉर्स आ गया। वैसे ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा था ताकि जो लोगों के पास पीसी में अच्छे गेम नहीं खेल पा रहे, उनके पास पीसी नहीं है, तो वो इस गेम को ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। मैंने एक कौबा वाला गेम खेला था पीसी में जिसका नाम था गन, और उसके अलावा मैंने एक भी कौबा का गेम नहीं खेला। फिर बस मैं नाम सुने बहुत सारे, तो जिसमें था एक रेड डेड रिडेम्पशन। तो अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वैसा आपको फुली एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, एक छोटा मैप है लेकिन आपको बहुत मज़ा देगा। इसकी साइज़ है 400
56 MB करके कुछ हो जाती है और सारी OBB अंदर के साथ इंस्टॉलमेशन रिक्वायरमेंट फाइल के साथ ये ओवरऑल 700 MB तक पहुंच जाती है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे टाउन में आ चुके हैं और अब हमें ठोकना है उन रेडर्स को, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। टच और होल्ड द फायर आइकन टू अटैक। ओ यहाँ पे हेडशॉट, क्या बात है, पबजी में नसीब नहीं होता, यहाँ पे तो एक एक दो दो बार में आराम से हेडशॉट मिल रहा है। वैसे इनका एम बॉट बहुत ज़्यादा है। यू हैव अनलॉक द फॉलोइंग आइटम, बर्न साइड कार्बाइन प्रॉस्पराइड, यू हैव कंप्लीट द ट्यूटोरियल। ये बार बार अपने हाथ में हवा क्यों मार रही है ट्यूटोरियल कम्प्लीट करने में। कंग्रेचुलेशन, यू आर ऑफिशियली अ बैडएस किंग स्लिंगर नाउ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो काम तमाम कर दिया। ये काफ़ी हैंग हो रहा है, ये शायद मेरे डिवाइस में इतना अच्छे से चलेगा नहीं, लेकिन अगर आपका अच्छा डिवाइस है तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे कम से कम डिवाइस में भी चल सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि आपका किटकैट या लॉलीपॉप को माफ़ करेगा। यहाँ पे आ गया रिवेंज ऑफ सर्व द हॉट, लुक्स लाइक डो बैनिम जस्ट कांट लीव वेल एनफ अलोन, आई शुड मेक श्योर दे वर ऑल टेकन केयर ऑफ द फर्स्ट टाइम अराउंड, श्योर होप द लेडी ऑफर्स मी अ ड्रिंक फॉर ऑल माई ट्रबल। यू कैन ट्रेवल साइंटली टू सेलेक्ट मिशन बाई टचिंग दिस आइकन। अच्छा, लेकिन ये अभी सिखा रही, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ ना, तो मैं तो घोड़े से ही जाऊँगा पूरा नज़ारा ले ले के एक एक। ओ ये क्या हो गया, ये घोड़ा मेरा मर गया। ओ यहाँ तो खतरनाक गोलियाँ चल रही, मैं इनको टॉक अभी तो मेरी लाइफ कम नहीं हो रही, बाद में होगी लाइफ कम। ठीक है, इसको मैं जूम करके करके ठोकूँगा। अरे इसमें निशाना, अरे मैं उधर जा ही नहीं पा रहा, लगता है कुछ अटक। इसमें भी मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं है। टांग जंग तोड़ी मैंने इसकी और ये आ रहे जंगली सांड की तरह मेरे पास मारने, पर अब नहीं बचेगा। हेडशॉट, फाइट द आउटलॉज। ओह टकले में मारा, लेकिन लाइफ नो खत्म होएंगे क्योंकि दिस इज द बिगनर। ओ इससे हम कुलाठी मार सकते हैं और इसको मैं ठोकूंगा। हेडशॉट, आई लव दिस। वहाँ पे दूर है, मुझे लगता है कि मेरी गन वहाँ तक जा नहीं पाई, लेकिन उनकी गोलियाँ यहाँ पे आ पा रही हैं, लगता है उनके पास पक्का राइफल होगी। ऐसे भी होना चाहिए था कि हम इनकी गन की एमो ले लें, ऐसा ही करेंगे तो ये और अच्छा हो सकता है। मैं इनको अपडेट में इनको इन्फॉर्म करूँगा कि आपको ऐसा अपडेट में डालना चाहिए कुछ। हम यहाँ पे एक आदमी को गिरा रहे हैं, यहाँ पे बहुत आसानी से हम इसको मारेंगे। हेड शॉट, वो तो होना ही था। अब यहाँ पे एक लेफ्ट में आदमी को हेड शॉट देने की कोशिश, क्रिटिकल हेड शॉट। रेस्क्यू द डैमसेल, नाम भी बिल्कुल खतरनाक ही है। अरे ये तो वही लड़की है जिस जो हमें सिखा रही थी और खुद ही ऐसा हम। ओ यहाँ पे लगता है मेन विलन आ गया, मैं इसको ठोक रहा हूँ। अरे वो थोड़ी सी गलती हो गई, ये तो बिल्कुल पास आओ, अब मेरी लाइफ कम होने लगी। वो मैं इसको खतरनाक तरीके से मारूंगा, इसको पता नहीं। यू हैव अनलॉक द फॉलोइंग आइटम, आउटलॉ हैट। ठीक है, पुट आउट द फायर। ओहो लगता है हमें टंकी, ओ वो चमकीले पे ठोकना है, वो चमकीला नहीं बचेगे, चमकीला कुछ था मुझे लगा। ओ पानी पानी पानी, अच्छा ये पानी बुझा देगा। ओ यहाँ पे है निशाना, मस्त है ना ये बनाया है वैसे इनका इमेजिनेशन तो अच्छी। ओ नो इसकी बस इतनी सी धार लग पाई और पानी ख़त्म। हमने यहाँ पे सब काम कर दिया। रिवेंज सर्व्ड हॉट, द लॉ अराउंड दिस पार्ट्स इज ऑलमोस्ट नॉनएक्सिस्टेंट, आई एम गोना कीप दिस लेडी सेफ, आई एम गोना नीड टू फाइंड सम आउटसाइड हेल्प। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, फाउंड आउट अवर सूरी इन्फो। ठीक है, नॉट नाउ। तो हमारे यहाँ पे गेम शुरू हो गया, मैं धीमे धीमे ये शब्द बोलने से लगता है अभी अपनी पुरानी मेमोरी याद करेगा, लगता है इसकी पत्नी जी की देखा है कि ऐसा
यहाँ पे कोई आदमी आता है, पक्का यही इसको मारा। ये हमें दिखाना यही चाहते पर क्लाइमेक्स बाद में दिखा। ओ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। Does I start to think about my wife? Imagine how she died. Oh, इसको खुद ही नहीं पता कि इसकी बीवी कैसे मरी। Luckily, there's a medicine. हम आगे बढ़ गए। I'll pick some up from the bar. सफर कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आगे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे do you want to learn? अच्छा यह मैं अलग जार सिखाना सिखाएगा तो हम देखते हैं क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए जब डेमो आए तो क्या मैं अपनी आवाज़ गायब कर दूं या अपनी आवाज़ रखूं हल्की हल्की सी। मुझे लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ गायब कर देनी चाहिए और आपको मज़ा लेना चाहिए डेमो का। ठीक है तो यहाँ पे टच टू स्क्रीन आ रहा है, देखते हैं कि ये स्क्रीन में हो या हमें सिखाया गया है। लग रहा है पढ़ना, चलो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। ओ यहाँ तो एक सेकंड में गायब कर दिया मुझे। फर्राटा पढ़ना होगा। इट विल पर्क यू विल क्लियर योर सीन्यूज मेक योर यू स्ट्रॉन्गर फास्टर मोर डेवलप। चलो ये हमें बता रहा है कैसे। मुझे लगता है कि ये पक्का वो लोग होंगे, इस आदमी ने इनसे पैसे लिए होंगे और ये उधार चुका नहीं पा रहा होगा, बस यही बात होगी। और अब ये इनको ठोकने आ जाएंगे, मतलब कि इसको ठोकने आ जाएंगे। ठीक है तो ये छुप गया और क्या हम इसकी मदद करेंगे और शायद ये हमें सस्ते दामों में अपने लगदार देगा। मैं ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या हो सकता है। तो मैंने इनको ठोकना शुरू कर दिया, इनके टकले टकने। यू आर लीविंग द क्वेस्ट एरिया। ओ लगता है एरिया में के अंदर यूज द बेस सर्कल लगदार टू लगदार इंक्रीज योर वेपन डैमेज। ठीक है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब तो ये दो ही बार में मर जाएगा। अभी मेरी लाइफ कम नहीं हो रही लेकिन बाद में मेरी लाइफ पक्का कम होगी। चलो यहाँ पे और लोग आ गए, मैं इनको ठोक रहा हूँ। अरे अरे यार मुझसे बार बार आई ट्राई टू मॉस्केट अलग जाए जिससे लग जाए नीचे लग जाए मनी। अच्छा ठीक है। ओहो मैं बाबा को नीचे वाला बटन जब जाता है जिससे तुरंत मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। इसमें इन लोगों ने बटन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें मुड़ने में इसको टाइम लगता है, इसलिए हम बटन से इसको आराम से मोड़ सकते हैं। अभी मैं इनविजिबल हो गया, वैसे वो मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि मुझे मार नहीं रहे हैं। ठीक है अरे ना यू कैन ट्रेवल दिस लग जाए इंक्रीज योर स्पीड ऑफ। ठीक है ओ यहाँ पे हम क्विक सिल्वर बन गए, उसको लात मारा है बिल्कुल तगड़ी स्टाइल में। प्यू दैट वाज क्लोज, थैंक यू फॉर सेविंग मी। शी यू आर कन्विंस नाउ वांट टू बाय माय लेक्चर्स। ओ क्या हमने इसको ठुकरा दिया। कैन यू बिलीव इट आई सेव्ड दिस यू एंड ही इज स्टिल वन। हमने इसकी बात को ठुकराया। ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मैं थोड़ा अपग्रेड होके आऊँगा, अच्छी गने लूँगा। और हाँ घर में रहिए, सेफ रहिए, बी सेफ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।